हेलो व्हाट्सअप गाइस माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड टूड इन दिस वीडियो गूगल सी चेक लिस्ट इन आवर टू डू एप्लीकेशन जी हाँ गाइस तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम है क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अब इ चेक्ड एंड देन अनचेक्ड कंप्लीट एंड नॉट कंप्लीट वाला जो फंक्शनैलिटी है उसको अचीव कर सकती है इन आवर टू डू एप्लीकेशन बिलीव में ये सुनने में कितना ईजी लग रहा है कि चलो क्लिक किया तो लाइक like, एक लाइक like, सीएसएस की प्रॉपर्टी है यू नो लाइन थ्रू कट लाइन कट कर देंगे और वापस जब क्लिक करेंगे तो वो सीएसएस की प्रॉपर्टी हम हटा देंगे बट इन रिएक्ट इसको आप कैसे कर सकते हो एंड अभी हम जिस तरीके से कर रहे हैं जहाँ पे वी हैव ओनली वन सिंगल वैल्यू अगर आपको याद हो यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलता हूँ वी हैव अबाउट टू डू फॉर्म यू नो कल की वीडियो में हमने देखा था ये यह. यहाँ पे आप अगर हमारा जो वैल्यू देखोगे एक्चुअल वैल्यू स्टेट वेरिएबल वो तो सिंपल एक वैल्यू है तो आप किसके बेसिस पे ये डिफाइन करने वाले हो कि भाई मैंने इसको क्लिक कर दी टिक ऐसे कट कर दे वापस टिक करो अन टिक कर दे आप किसके बेस पे करोगे आप कर ही नहीं पाओगे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन का आप इसको ट्राई कीजिए कि अभी हम जिस तरीके से ये कर रहे हैं उसके बेस पे क्या आप ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो या नहीं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ठीक है क्योंकि मुझे लगता है कि वो जरूर हम कर सकते बट इट्स लेंथी प्रोसेस एंड मैंने आज इस वीडियो को एकदम स्पेशल बनाने के लिए ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हमारे जो ये रिएक्ट एप्लीकेशन है वहाँ पे जो कीज है उसको एकदम प्रॉपर तरीके से पास कर सकते हो आई थिंक अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इंस्पेक्ट कंसोल पे करता हूँ रिफ्रेश यहाँ तो चलो सब सही है बट दिस इज आवर्स जिसपे हम काम कर रहे हैं है ना एंड अगर कंसोल पे चलता हो सब ठीक है ये देखो यहाँ पे देख सकते हो बता रहा है टू डू लिस्ट में की इज़ नॉट अ प्रॉप ऑलरेडी एक हमें एक वार्निंग आ रहा है लाइक इट्स नॉट एन एरर बट एक वार्निंग मुझे आ रही है डिलीट तो मैं कर सकता हूँ जो कि अच्छी बात है बट एक वार्निंग मुझे मिल रही है तो इस वीडियो को गाइस आप एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है एंड बहुत सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में बदलने वाली है आपको पता चल जाएगा वॉट इज द करेक्ट एंड द बेस्ट वे टू पास कीज इन अ टू डू एप्लीकेशन ठीक है तो सबसे पहले देख लीजिए अब जो हम ये तरीका कर रहे थे ना पूरा चेंज डिलीट का भी चेंज होने आई I मीन mean, आज इस वीडियो में पूरा सब कुछ हम रीराइट करने वाले सब कुछ वापस से सबसे पहले लेट्स चेक इट आउट आउट टू डू फॉर्म जब भी कोई फर्स्ट टाइम डेटा फिल करेगा ठीक है ध्यान से देखने क्या होता है यहाँ पे मैं अगर यहाँ चलता हूँ कंपोनेंट पे टू डू फॉर्म या परफेक्ट सी अब आप एक चीज देखो कि हमारा स्टेट जो है एक्चुअल में सिर्फ एक वैल्यू था इन आवर केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस इसलिए मैंने दोनों को साइड बाय साइड रखा है ताकि फाइनल में दिखता कैसा है वो आपको पहले ही पता चल जाए कहते हैं ना मंजिल अगर आप देख सकते हो तब आप उसको हासिल कर सकते हो जब मंजिल ही आपको नहीं मालूम क्या हासिल करोगे फिर कुछ मालूम ही नहीं है ठीक है तो हमें तो मालूम है हमारा मंजिल देखो ना यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो दिस इज हुक्स जहाँ पे अब हमारा जो इनिशियल स्टेट में एक आईडी है एक कंटेंट है एक चेक करके एक प्रॉपर्टी है एंड दिस इज द प्रॉपर्टी विच विल मेक श्योर कि इसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स उसी के बेस पे हम करने वाले बट इन आवर केस अगर आप मेरा टू डू फॉर्म देखते हो तो I mean, क्या है आई मीन क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं है लाइक टाइम पास है ये पूरा लाइक like, आप देखो स्टेट इवन स्टेट तो मेरा दिखा भी नहीं रहा ये मैंगो ठीक है सो यहाँ पे आप जाके मैंगो आता है फिर चला जाता है uh, यहाँ पे अगर चले तो ये देखो या सी हेयर वी हैव आवर स्टेट सी एक तरफ तो ये है जिसमें सिर्फ एप्पल मैंगो भाई क्या यहाँ पे आप क्या ही कर लोगे ना यहाँ पे आईडी है ना यहाँ पे वो चेक वाली प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हमें पता चले तो अब ये वाला जो स्टेट है मुझे इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा एंड कभी भी अगर आपको कीस पास करना हो ये ऑलवेज रिकमेंडेड किया गया है कि अपना खुद का आईडी उस पर आप पास कीजिए वो ज़्यादा बेटर रहता है कभी भी आप एपीआई के साथ खेलना ऑलरेडी उसमें आईडी डिफाइंड होता है तो अब हमें ये बनाना है आई कंटेंट एंड देन चेकड तो ध्यान से देखो मतलब सिर्फ इस जगह पे मुझे चेंज करना होगा एंड दैट इज कि इंस्टेड ऑफ ओनली पासिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू है ना जो भी था ये वैल्यू अब हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल आई विल बी इक्वल टू गाइस ये जो वैल्यू है मैं एज इट इज वैल्यू बेसिकली क्या है पता है ना आपको ये वो वैल्यू है यूजर जो भी लिख रहा है ठीक है सो एक आई हो गई यहाँ पे आप डेट डॉट नाव मैथ डॉट रैंडम बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो बट मुझे लगा कि हम ऑलरेडी वैलिडेशन तो कर ही रहे कि दोनों सेम चीज हम पास आई मीन ऐड नहीं कर सकते इट मीन्स कि हमारी वैल्यू ऑलवेज यूनिक ही रहने वाली है डेट सो मैंने उसको आई डी पर रख दिया बट आप कुछ भी यूज कर सकते हो यहाँ पे ठीक है बट रियलिटी यही है कि आपके uh, जो भी डेटा आप खेल रहे हो जिसके साथ भी वहां पे एक आईडी प्रॉपर्टी होनी मस्ट है सबसे पहले देन कंटेंट कंटेंट विल बी आवर वैल्यू फॉर सी राइट एंड एट द एंड में वी नीड अ चेक करके एक प्रॉपर्टी एंड बाय डिफॉल्ट मैं उसको फॉल्स रख रहा हूँ बाई डिफॉल्ट उसको मैं क्या कर रहा हूँ फॉल्स कर रहा हूँ दिस इज इट सो अब ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट part है है ना मेरा जो इनिशियल स्टेट होगा मेरी इनपुट वैल्यू की उसको भी मैं क्या कर देता हूँ गाइस एक कर देता हूँ ऑब्जेक्ट परफेक्ट ऑल राइट अब इतना अगर मैं कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ तो अब मुझे बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट मिलने वाला है एज एन इनिशियल वैल्यू राइट वो इसलिए मिल रहा है क्यों क्योंकि अब मेरा इनपुट वैल्यू एक uh, क्या है लाइक like उसका इनिशियल डेटा एक ऑब्जेक्ट है राइट right? बट यहां पे मुझे क्या करना होगा इनपुट वैल्यू मुझे ऑब्जेक्ट पास नहीं करना है एज अ वैल्यू मुझे यहाँ पे कंटेंट पास करना है जो कि मेरे इनपुट वैल्यू के अंदर है एंड वही कंटेंट में मेरा एक्चुअल डेटा है सो इनपुट वैल्यू डॉट कंटेंट एंड दैट इज द रीजन वाई क्यों मैंने उस दिन स्प्रेड ऑपरेटर में मैंने आपको ऑब्जेक्ट के साथ खेलना सिखाया था इट विल बी इनपुट वैल्यू डॉट कंटेंट या दिस इज इट तो हमारा जो टू डू फॉर्म है उसमें हमें इतने ही चेंज करना था कि कंप्लीट एक न्यू ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे एज आवर इनिशियल डेटा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे जो पहले एक एम स्ट्रिंग था एंड बाकी सब जगह सेम है बस इस जगह पे हमें कंटेंट चाहिए रहता है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ सो इट्स अ एप्पल एंड हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा एंड ये प्रॉब्लम एकदम वैलिड है क्यों क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ें जिसको टैकल करना है बट फॉर नाउ इट्स डन ठीक है एंड मे बी यहाँ पे भी हम शायद ऑब्जेक्ट uh, को चेंज कर सकते बट फिलहाल अभी हमारा एक काम हो गया ऑलराइट right. अब जब हम इस डेटा uh, को यू नो ऐड करने के लिए फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हम कौन सा इवेंट फायर कर रहे हैं हम ये हैंडल फॉर्म सबमिट फायर कर रहे हैं विच इज़ ओ वही एंड जब हम इसको कॉल करते हैं इसमें हम जो पेरेंट में जो ऑलरेडी एक फंक्शन है जिसमें हम एक्चुअल में हमारा डेटा जो ऐड कर रहे हैं हमारे एरे में तो वो कौन है ऑन एड टू डू उस पर मैं ये अब इनपुट वैल्यू पास कर रहा हूँ पहले हमारा ये जो इनपुट वैल्यू था ओ भैया वो सिंपल एक वैल्यू था राइट right? जो कि हम बहुत इजीली चेक कर रहे थे क्या वैल्यू है या नहीं क्या वो मैच करता है यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या नहीं एंड देन हम उसको ऐड कर रहे थे बट नाउ इनपुट वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू नहीं है एक स्ट्रिंग नहीं है वो अब एक ऑब्जेक्ट बन चुका है ठीक है ध्यान से सुनना वो अब एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसको मैंने पास कर दी यहाँ पर तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको एक काम करता हूँ उसको मैं डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ कॉन्स्ट मैंने इसलिए कहा था आज के वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट तो है वी हैव आई डी वी हैव अ कंटेंट वी हैव दिस चेक प्रॉपर्टी विल बी इक्वल टू वी हैव दिस इनपुट वैल्यू ठीक है एंड ये बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि ये वही इनपुट वैल्यू है जिसको मुझे यहाँ पे ऐड करना है ठीक है अब ध्यान से देखो ये मेरा काम हुआ अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये चेक करें क्या वो एम टी है या नहीं बट सिर्फ इनपुट वैल्यू में चेक नहीं करना था अब हमें देखना है क्या वो कंटेंट एम टी है या नहीं खत्म क्या वो कंटेंट एम है या नहीं ये मेरा पहला काम खत्म है ना टू चेक इफ द इनपुट फील्ड इज एम टी और नॉट परफेक्ट ऑल नाउ यहां यहाँ पे ये यह जो पार्ट है टू चेक इफ द डेटा इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और नॉट ठीक है परफेक्ट ये जो पर्टिकुलर पार्ट है अब यहाँ पे ध्यान से देखना पहले तो चलो वो एक एरे था एंड अगर सिर्फ एरे में एक एलिमेंट हो मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स हो खाली स्ट्रिंग के फॉर्म में हम बहुत इजीली इंक्लूड्स मेथड जो है उसका यूज़ कर सकते हैं बट व्हेन इट कम्स टू योर ऑब्जेक्ट तब मैं इंक्लूड्स मेथड तो यूज़ नहीं कर सकता देन व्हाट आई मीन नाउ वॉट अब मैं क्या करूँ यहाँ पे मतलब मैं कौन से मैथड्स को यू नो ट्राई ट्राई करूँ जिसके चलते मुझे ये पता चले कि आई हैव एन एरे विथ ऑब्जेक्ट एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम ये ज़्यादा बेटर बोल सकते हैं एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है उसमें मुझे ये चेक करना है कि यूजर जब उस इनपुट फील्ड में कुछ भी डेटा लिखता है तो क्या मेरे वो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं राइट right? तो ये चीज़ जो है ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन वाले आपसे पूछ सकते हैं लाइक इंडिविजुअल चलो बताओ आप इसको कैसे सॉल्व करोगे तो वो चीज़ अब आप हमें यहाँ पे देखना है क्योंकि ये तो मैं नहीं कर सकता फॉसियो तो उसके लिए हम क्या करेंगे इफ आई I मीन mean, मैं एक न्यू वेरिएल ले रहा हूँ यहाँ पर न्यू कॉन्स्टेंट वेरिएबल बना रहा हूँ इफ टू डू मैच इस तरीके से विल भी इक्वल टू ध्यान से देखना हाँ बहुत सारे तरीके आप आई uh, नो आप सोच रहे होंगे ये कब अपना प्रोमोट करेगा वीडियो को नो you know? तो मैं आ गया वापस इसमें आपको आई थिंक या एरे मैंने इसमें आपको बहुत डिटेल में समझाया है एरे में सर्च कैसे करना है एरे में फिल्टर कैसे करना है एरे में आप कह सकते हो लूप कैसे करना है है नो एरे में वी हैव पूछ पॉप बहुत सारी चीज़ें हैं कौन से म्यूटेबल है कौन से अनम्यूटेबल है यू नो स्लाइस मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एरे में मेथड्स है एंड ऑब्जेक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें प्लीज़ इसको एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए तब आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी है ना तो आई होप अभी तक आप समझ चुके हो ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर टास्क तो हमारा नो मैटर वॉट एक एरे है हेर वी हैव अ फाइंड मैथड फाइंड आपका सिर्फ सबसे पहला वाला फाइंड करता है निकल लेता है तो मैं फाइंड मेथड में क्या करूँगा मुझे बस ये चेक करना है कि मेरा जो ये करेंट टास्क है ठीक है अब ये जो करेंट टास्क है ना ये करेंट टास्क अगेन आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसमें वी हैव आई डी कंटेंट एंड देन वॉट वी हैव आवर चेक्ड प्रॉपर्टी ठीक है तो मेरा करेंट टास्क डॉट मेरा जो कंटेंट है क्या वो मैच करता है जो भी ये ऑलरेडी uh, right, देखो हम ऑलरेडी तो डिस्ट्रक्चर कर ही चुके इस वाले कंटेंट से इफ दिस ट्रू अगर ये होता है ट्रू इफ टू डू वाला जो भी है नॉट दिस वन इफ टू डू कंटेंट अगर ये मैच होता है मीन्स अगेन रिटर्न कर आई मीन आप कुछ मत कीजिए आप रिटर्न कर दो सिंपल ये अब हमें करना है यहाँ पे, ठीक है आई होप ये आपको बहुत क्लियरली समझा होगा सिंपल था ये राइट right? कोई बड़ी बात नहीं थी हम जस्ट ये मेक श्योर sure कर रहे ये चेक कर रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट में ठीक है जितने भी कंटेंट है उसको मैंने जो भी यूज़र ने लिखा होगा कंटेंट उससे मैंने कंपेयर किया अगर वो मैच कर गया इट मीन्स कि वो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है एंड इफ इट्स ट्रू देन कुछ मत करो उसको ऐड करना ही नहीं रिटर्न हो जाओ जो हम पहले यहाँ सिंपल कर रहे थे मैच कर गया तो रिटर्न राइट ऑल राइट ये मेरा काम हो गया अब यहाँ पे आइए ये जो पर्टिकुलर पोजिशन है डैट इज सेट टास्क जहाँ पे हम ये मेक श्योर कर रहे हैं यूजर जो भी न्यू डेटा फिल कर रहा है अब उसको हमें अपडेट करना है आई I मीन mean, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है वो तो अपनी जगह सही सलामत रहेंगे बट एट दी एंड वी आर एडिंग दैट डेटा अब पहले तो चलो सिंपल एक इनपुट वैल्यू थी तो हमने उसको ऐड कर दी बट नाउ इट्स एन ऑब्जेक्ट तो मैं सिर्फ इनपुट वैल्यू नहीं कर सकता मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा जहाँ पे सबसे पहले भी है अब आई की प्रॉपर्टी एंड अब इस आई पे मैं कौन सा आई पास करूंगा एंड वो तो मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे देखो आई तो ये आई मैंने पास कर दी देन सेकेंड वन इज आवर कंटेंट तो अब मुझे कंटेंट कहाँ से मिलेगा वो तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे पास कर ही रहा हूँ कंटेंट ठीक है एंड ये पता है क्या ये वो वैल्यू है जो मुझे यूज़र जब भी फिल कर रहा है ना देखो ना जब भी यूज़र फिल कर रहा है मैं यहाँ पर अपडेट कर दे रहा हूँ आई में वैल्यू कंटेंट में भी वी हैव दिस वैल्यू चेक की वैल्यू फॉल्स बाई डिफॉल्ट ऑलवेज वो फॉल्स रहेगी तो वो ये डेटा है जो कि ऑलरेडी अपडेटेड है ठीक है तो इसलिए मैं यहाँ पे ये यह कर रहा हूँ

तो आई डी इक्वल्स टू आई डी कंटेंट इक्वल्स टू कंटेंट चेक इक्वल्स टू योर चेक आई मीन उसकी वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ यहां पे ये मेरा काम हो गया इस तरीके से ठीक है तो एटलीस्ट इतना अगर मैं करता हूं तो ये काम करता है लेट्स चेक इट आउट एप्पल और लाइट नहीं कर रहा है एंड क्या प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड आई डी सबसे पहले तो एक काम करते वन बाय वन हम टैकल कर लेते टू डू लिस्ट की इज नॉट अ प्रॉप टू डू लिस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा नीचे आते हैं हेयर वी हैव दिस टू डू लिस्ट की तो बराबर है ऑल राइट यार नाव देयर विल बी सम चेंजेस वी नीड टू डू यू नो क्यों बताओ क्योंकि देखो मैं ऐड कर रहा हूँ ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं अगर एक बार मैं शायद कंपोनेंट में चलूँ एंड फ़िलहाल कंपोनेंट में तो कुछ दिख नहीं रहा बट हाँ ये जो पर्टिकुलर जगह है अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे तो नहीं लिख सकता ना क्योंकि अब मेरा करेंट टास्क देखो ना जब मैं यहाँ पे टास्क को अपडेट कर रहा हूँ तो मेरा टास्क तो आप एक ऑब्जेक्ट है मेरा ये जो टास्क है इट्स एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली करेंट टास्क डेटा में करेंट टास्क लिख रहा हूँ बट ये करेंट टास्क डॉट इट विल बी कंटेंट यह अब मुझे यहाँ पे इंडेक्स की नीड नहीं है इट विल बी करेंट टास्क डॉट मेरा जो आई डी सिंपल इस तरीके से ठीक है एंड वंस ये आपका हो गया तो टू डू लिस्ट में तो डेटा है की है एंड ये वाला जो की है इसकी मुझे नीड नहीं है यहाँ पे इसलिए वो वार्निंग आ रही थी इसकी भी मुझे यहाँ नीड नहीं, नहीं बाय द वे क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो तो यहाँ बोल ही दिया ना हर एक को मैं अपना एक की तो दे ही रहा हूँ बाई डिफ़ॉल्ट तो क्या टेंशन है अपने को बाई डिफ़ॉल्टो लग ही रहा है वहाँ पे ठीक है ऑल राइट सो हेर वी हैव आवर टू डू लिस्ट यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है अपने को अभी बाद में देखेंगे यहाँ पे बट फिलहाल करेंट टास्क डॉट कंटेंट करेंट टास्क डॉट आई डी ये हमें पास करना था अब अगर मैं यहाँ चलता हूँ ऑल राइट सो वी हैव दिस पार्ट वी हैव आवर टू डू फॉर्म एंड लेट चेक इट आउट एप्पल एंड मैं ऐड टास्क कर रहा हूँ ओ माई गॉड सी ये देखो कितना अवसर मुझे मिल रहा है यहाँ पे एप्पल टू डू डेट एंड देन हेयर वी हैव अ टू डू जहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनली वी हैव एप्पल एप्पल एंड देन चैकड में फॉल्स है हाँ एंड वन मोर थिंग इज़ लाइक कि यहाँ पे एप्पल मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है एंड मैं वापस से करने जाऊँगा तो ऐड तो नहीं होगा क्योंकि वैलिडेशन हम कर ही रहे थे इट मीन्स कि अब हमें एक और काम करना होगा एंड देट इज़ कि इस जगह पर मैं चाहूँ तो उसको इस तरीके से भी चेकआउट कर सकता था यही सेम सब कोड को यहाँ पे लिख के वैल्यू को एम टी इवन दिस को भी एम टी में ये भी कर सकता था ठीक है लेट चेक इट आउट अगर एक बार ये करता हूँ तो क्या होता है एप्पल ऑल आइट यहाँ पर मुझे आ गया है ना एप्पल वी हैव ब एप्पल एंड अगेन अगर मैं एप्पल लिखता हूँ तो परफेक्ट मेरा ये काम कर रहा है देखो कितनी ईजिली उसको हमने सॉल्व कर दी अब अगर मैं मैंगो लिखता हूँ तो भी ये मेरा काम करेगा अब अगर मैं मैंगो को डिलीट करना चाहूँ तो ये डिलीट नहीं होगा पता है क्यों अब डिलीट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पहले हम एक एलिमेंट समझ के डिलीट करवा रहे थे बहुत ईजिली बट नाउ इट्स एन ऑब्जेक्ट तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ अब हमें डिलीट वाले के साथ खेलना है हाँ ध्यान से देखना ऑन डिलीट आई मीन ऑन हैंडल डिलीट हैंडल डिलीट टू डू नो प्रॉब्लम हैंडल डिलीट टू डू में अगर मैं आता हूँ हेर वी हैव दिस वैल्यू अब ये जो वैल्यू मुझे मिल रहा है अब मुझे एक बार ये मेक श्योर करना है कि ये वैल्यू आखिरकार है क्या ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ टू डू लिस्ट में अगर आप देखोगे इट्स डेटा जो कि चलो सही है कोई प्रॉब्लम नहीं है सो इस जगह पर आइए वैल्यू कंसू दो दो ये क्या हो रहा है यहाँ पे इतनी सारी चीजें इसको हटाओ ठीक है सो अपडेटेड टास्क डॉट फिल्टर अब मेरा ये जो करेंट टास्क है अगेन ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आई डी कंटेंट एंड देन चेक हमारे पास है फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कंपेयर करवा रहा हूँ किससे वैल्यू से वैल्यू तो चलो बराबर है हमारा बट ये करेंट टास्क डॉट इट विल बी आवर कंटेंट सिंपल समझ रहे हो ना क्योंकि अब एक ऑब्जेक्ट बन चुका है तो कंटेंट को मुझे वैल्यू से कंपेयर करवाना था या दिस इज इट तो अगर मैं सिर्फ इतना भी करता हूँ तो आई थिंक इट विल वर्क ठीक है मैंगो पे चलता हूँ एंड बूम इस सी मेरा काम करे क्लियर ऑल में भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था तो मैंने जस्ट एक इनिशियल uh, वैल्यू जो था उसको चेंज करके मेरे बाकी सारे जितने भी कोड थे सबको मैंने वापस बराबर कर दिया है सबको मैंने वापस बराबर कर दिया अब बस मुझे क्या चाहिए यहाँ पे आ, मैं वापस एप्पल करूँ। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे वो फंक्शनैलिटी चाहिए कि इसको मैं चेकड एंड देन अनचेक्ड कर सकूँ ठीक है बाकी सब कुछ हमने आ, वापस से नया बना दिया सब कुछ राइट ये तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे परफेक्ट अब वो जो चीज़ है वो ऑब्वियसली सबसे पहले मुझे यहाँ पास करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ ऑन हैंडल चेकड टू डू ठीक है एंड इट विल बी इक्वल टू योर लाइक हैंडल चेक इसमें एक काम करते हैं ना ये जो पर्टिकुलर पार्ट part है ये इस तरीके से हैंडल चेक टूडू कर देता हूँ अब ये जो हैंडल चेक टूडू है ये ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे डिफाइंड uh, करना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पे सो so सुकॉन्स्ट आप समझ रहे हो ना कैसे एकदम मन को शांत रखना है और दिमाग से सोचना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है ठीक है या मैंने इसको डिफाइन कर दी यहाँ पे अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट part है सिर्फ इतने से काम नहीं होगा मुझे यहाँ पे वो जो चेक्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी पास करनी पड़ेगी एंड करेंट टास्क डॉट चेक्ट ठीक है क्यों क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा ना कि वो जो चेक है उसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है एंड अब मैं बताता हूँ हमने दो चीज़ पास करी चेक एंड देन ऑन हैंडल डिलीट सॉरी ऑन हैंडल चेक टू डू मैं यहाँ पे आऊँगा इसको मैं गेट कर रहा हूँ एंड साथ ही साथ जो मेरा चेक है उसको भी मैं गेट कर रहा हूँ तो चेकड मैंने क्यों लिखा क्योंकि मैं ये मिक्सवेयर होना चाहता हूँ ठीक है मैं यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर रहा हूँ जो कि होगा हमारा डायनामिक जहाँ पे अगर आप देखोगे सो बहुत ईजी है इसी इट्स सुपर ईजी जहाँ पे मैं कंडीशनल सी एस एस यूज़ करने वाला हूँ टर्नरी ऑपरेटर जहाँ पे ये चेक की वैल्यू ये डिफाइन करेगा अगर वो चेक है तो चेक लिस्ट करके एक हमारे पास प्रॉपर्टी है ऑलरेडी मैं दिखाता तो, हूँ ये देख लीजिए चेक लिस्ट अगर ये क्लास प्रेजेंट है इट मीन्स कि चेक की वैल्यू ट्रू है एंड मुझे लाइन थ्रू करना है एंड अगर चेकलिस्ट प्रेजेंट नहीं है नॉट चेकलिस्ट प्रेजेंट है तब हमें उसको नन कर देना है सो वी हैव अ चेक लिस्ट ओवर हीो नॉट ओवर ही ओवर हीरो ठीक है एंड अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है देन वी नीड ये वाला पर्टिकुलर क्लास इस तरीके से तो आप समझ रहे होगा इससे क्यों हमने एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर दी क्योंकि उसके बेस पे मैं ये मेरा जो डेटा है उसको चेकड एंड देन अनचेक्ड कर रहा हूँ अब ये मुझे कैसे पता चलेगा चेक है यानी इसकी वैल्यू को मैं कैसे अपडेट करूँगा वो इस बटन को जब हम क्लिक करेंगे तब हम उसको अपडेट करेंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा जब भी कोई इस बटन को करेगा आ, क्लिक तब मुझे एक फंक्शन कॉल करना है ऑन ठीक है आ, इस तरीके से फैट एरो फंक्शन क्यों क्योंकि मैं यहाँ पे आ, एक आर्गूमेंट पास करने वाला हूँ डैट्स वाई सो so, इस तरीके से एंड मैं क्या पास करूँगा डेटा पास करूंगा मैंने डेटा इसलिए पास किया ताकि मुझे कंपेयर तो करने का मौका मिले ना कि यूजर ने किस डेटा को क्लिक किया एंड मैं उसको कंपेयर आई मीन चेक करूंगा मेरे ऑब्जेक्ट में मेरे वो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट में कि ये डेटा अगर इस डेटा से मैच हो गया मतलब जिस डेटा को हम मैं आई I मीन mean, पास करवा रहा हूँ वहां पर एंड एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट में वो डेटा अगर मैच हो गया उससे तो उसी डेटा को मुझे चेक एंड देन अनचेक्ट करना है सिंपल यही फंड है अब तो बहुत ईजी है ये जहां पे जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा इसको कॉल कर रहे इट विल डेफिनेटली कॉल आवर पेरेंट वाला फंक्शन जो कि है आपका ये ऑन हैंडल चेक टू डू एंड उसमें मैंने ये ये वाले को मैंने डिफाइन कर दी अब देखो वहां पे मैं एक डेटा पास कर रहा था वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ठीक है या तो मैं टास्क यहाँ पे लिख सकता था ये वैल्यू नहीं लिखता हूँ चलो टास्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे टास्क ठीक है अब मुझे सबसे पहले ये मिक्सवेयर करना है कि यूजर ने किसको चेक किया होगा तो वो हम कैसे कर सकते हैं एंड यहाँ पे एक चीज़ अब आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है एंड डैट इज़ की जब हम बात करते हैं डिलीट की ठीक है ध्यान से देखना आप एप्पल है इसको अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो एप्पल डिलीट हो गया बाकी सारे वो एज इट इज़ वहाँ पे एंड मैंने इसका आपको फंडा बताया था ड्यूरिंग फिल्टर मैथड कि या फिल्टर मैथड ही हमने यूज़ किया है यहाँ पे फिल्टर करने के लिए तो बहुत ईजी था कि जो डेटा हमें डिलीट करना है उसको छोड़ के बाकी चीज़ें आप दिखाओ राइट बट वेन इट कम्स टू योर चेकड एंड देन अनचेक्ड अब अगर फिलहाल तो ये चेकड है बट मैं वापस कि लूँगा आई I मीन mean, क्लिक करूँगा ये अनचेक्ड हो जाएगा वापस क्लिक करूँगा ये चेकड हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे किसी को रिमूव नहीं करना है किसी को डिलीट नहीं करना है बस मुझे उसका जो सी एस एस का स्टेट है उसको मुझे अपडेट करना है मतलब मेरे सारे के सारे डेटा एज इट इज रहेंगे लेकिन जिस डेटा को मैं चेक अनचेक्ट करना चाहता हूँ सिर्फ उसी को ही अपडेट करना है बाकी सब एज इट इज रहेंगे तो मैं यहाँ पे अब वो फिल्टर मेथड, फाइंड मेथड, इंक्लूड मेथड ये सब वो सब यूज ही नहीं कर सकता क्योंकि उनका काम खाली जो मैच हुआ उसको रिटर्न करना था बट यहाँ पे मुझे सब रिटर्न करवाना है और मैच को भी चेक करना है तो मैं अब कौन सा मेथड यूज करूँ एरे का जिसके चलते मैं इसको बहुत ईजीली आई मीन टैकल कर सकूँ सोचिए तो यही चीज है छोटी छोटी जो आपको समझना जरूरी है यू you नो know, क्योंकि आपको लगा लग होगा अब यार ये तो इतना सिंपल सा एक चेक अनचेक बट रियलिटी देख लो अब है ना अब आप में से जिसको जिनको आता होगा उनको तो बहुत ईजी लग रहा होगा नो no डाउट बट जिन्होंने नहीं किया उनको तो डेफिनेटली सोचने पर मजबूर हो गए अब कि मैं क्या करूँ मैं आपको बताता हूँ तो वी हैव अ कॉन्स्ट अपडेटेड टास्क लिख देते हैं एंड टास्क डॉट हम मैप मैथड यूज़ करेंगे ठीक yeah, है मैप ही सबसे ज़्यादा यूज होता है रिएक्ट में एंड मैप आपका सारा डेटा रिटर्न करता है तो वी हैव अ फैट एरो फंक्शन हेयर ऑल्सो जहाँ पे आपका जो भी करेंट टास्क है एंड अगेन आपका ये जो करेंट टास्क है इसकी वैल्यू क्या है एक आईडी है एक कंटेंट है एक चेक है ठीक है मुझे इफ मेरा ये जो करेंट टास्क डॉट कंटेंट अगर ये मैच करता है मेरे टास्क से ठीक है देन रिटर्न में मैं क्या करूँगा मुझे कुछ भी डिलीट पिलीट नहीं करना है मुझे सिर्फ एक क्लास उसमें ऐड करना है आई I मीन mean, क्लास भी मुझे ऐड नहीं करना है मेरी जो चेक्ड वाली जो प्रॉपर्टी है जो पहले फॉल्स थी उसको अब ट्रू कर देना है अब आप मुझे बताओ इसको मैं कैसे कर सकता हूँ आई मीन इतना तो मैंने करके बता भी दिया अब यहाँ पे वो फाइंड आउट हो भी चुका है उसको मिल गया अच्छा आपने इस वाले डेटा को क्लिक किया था ठीक है क्या करना है बताइए हमसे वो पूछ रहा है वेट कर रहा है रिटर्न भाई आप बताइए क्या करना है मुझे बताओ कैसे करोगे कि एक ऑब्जेक्ट में आई है कंटेंट है एंड देन वी हैव अ चेक्ट ये आई डी एंड कंटेंट को मुझे एज इट इज रखना है चेक वाले को मुझे क्या करना है अपडेट करना है तो कैसे होगा सिंपल है ना डॉट 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 आपका एक करेंट टास्क कॉमा इसमें जो आपका ये चेक वाली प्रॉपर्टी है आपको नॉट ऑपरेटर यूज करना है करेंट टास्क डॉट चेक दिस इज इट जो भी करेंट टास्क था उसकी जो चेक की वैल्यू अगर फॉल्स है तो ट्रू ट्रू है तो फॉल्स सिंपल एंड ये हुआ अब यहां पे एक और चीज अगर लेट से वो मैच नहीं हुआ अगर मैच नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है रिटर्न करेंट आपका ये जो टास्क है एज इट इज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट आप भूलना मत एल्स ऑलवेज जिसको आप फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे वो तो हो जाएगा उसके बाद ऑलवेज प्रॉब्लम होने वाला है फिर क्योंकि फिर रिटर्न क्या करेगा अब देखो जो मैच हो गया उसमें उसने चेक की प्रॉपर्टी ट्रू या तो फॉल्स टॉगल कर रहा है लेकिन जो मैच नहीं हुआ मतलब बाकी जितने भी है उसको कुछ नहीं करना वो सब एज इट इज़ रहेंगे अब ये जो पार्ट है इस जगह पे आके सेट टास्क में मुझे इसको अपडेट कर देना बस खत्म मेरा काम हो गया राइट इतना ही तो था ये अब ये देखिए एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ठीक है अब कोई एरर नहीं कुछ नहीं एक सेकेंड यहाँ पे चलते हैं एप्पल मैंगो बनाना ऑरेंज ठीक है ये देखो डिलीट कर रहा हूँ एप्पल नो प्रॉब्लम अभी यहाँ पे स्टेट बराबर अपडेट हो रहा है अब बनाना को अगर मैं चेक करता हूँ तो एक प्रॉब्लम आया मुझे बता रहा है टास्क टू डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन एक ये टास्क टू क्या होता है डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन ऐसा तो हो नहीं सकता ओ ओ ओ ओ आई एम रियली सॉरी आई थिंक यहाँ पे ये टास्क टास्क लिखना सही नहीं रहेगा लेट्स गो विद कंटेंट राइट कंटेंट कर देते हैं इसको कंटेंट एंड यहाँ पे भी कंटेंट में कर देता हूँ क्योंकि टास्क तो ऑलरेडी हमारे स्टेट वेरिएबल का नाम था है ना लेट चेक इट आउट हाँ इसको मैं अब मैं अपडेट कर रहा हूँ एप्पल मैंगो है ना चलो एक बार मैं एप्पल को डिलीट करता हूँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंगो पे क्लिक करता हूँ एंड बुम गाइज देखो मेरा काम हो गया ये ये मेरा काम हो गया मैं इसको एक और बार रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड यहाँ पे एक बता रहा है कि ये कंपोनेंट इज चेंजिंग एंड अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी कंट्रोल्ड <laughs> ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जब हम फॉर्म देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एक कंट्रोल्ड एलिमेंट हम किसे कहते हैं एक अनकंट्रोल्ड क्या होता है बाई डिफॉल्ट रिएक्ट में जितने भी आपके फॉर्म से वो अनकंट्रोल्ड रहते हैं बट द मोमेंट आप रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू उसको अगर कंट्रोल करना चाहते हो देन वो आपका कंट्रोल्ड कंपोनेंट कहलाता है जहाँ पे पूरा पावर पूरा कंट्रोल रिएक्ट एप्लीकेशन के पास है इट मीन्स हमारे पास है कि जितना भी उसकी वैल्यू हो चाहे जो भी हो वो हम हमारे स्टेट वेरिएबल की मदद से कंट्रोल्ड कर रहे हैं ठीक है आ, वैसे तो ये आना नहीं चाहिए था क्योंकि हम अगर हमारे फॉर्म की बात करते हैं सो वी हैव अ वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम यही अगर आप वैल्यू देते तो बोलता ऑन चेंज को यूज़ करो राइट right? तो हम वैल्यू भी यूज़ कर रहे हैं हम ऑन चेंज भी यूज़ कर रहे हैं एंड हम सब कुछ यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको फ़िलहाल इग्नोर कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं आगे हम देख लेंगे सो इट्स एप्पल मैंगो ऑरेंज एंड देन बनाना ठीक है एक बार मुझे यहाँ पे देखना है इसका ये जो कंपोनेंट्स uh, पे स्टेट सब बराबर है है ना बस एक चीज़ ध्यान रखना ये जो एप्पल का अभी ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इस पर फोकस करना एप्पल में फ़िलहाल ये जो चेक्ड की प्रॉपर्टी है ये फॉल्स है राइट अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस यही मैं आपको दिखाना चाहता आज हमारा मेन मकसद ही यही है कि मुझे इसको टॉगल करना अब ये ट्रू हो गया मैं वन सेकेंड इसको क्लिक करता हूँ वन सेकेंड अगर आप देखोगे यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वापस वो क्या हो गई है फॉल्स हो गई है सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही आप देख सकते हो कितने असम तरीके से अब हम इसको टैकल कर रहे हैं एंड डिलीट भी ये होता है क्लियर ऑल भी ये हो ही रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसा लगा था ना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम एंड अभी तक हमने कितना कुछ देखा कितना कुछ जाना बिहाइंड द सीन आज तो इस वीडियो में ये देखा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या था आई को पास करने का कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया उस ऑब्जेक्ट के बेस पर कितने सारे चेंजेस आज हमने इस वीडियो में किए है, है ना तो कैसे अगर ये वीडियो आपको फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया देन कोई डाउट नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इसको एक और बार देखिए लेकिन एकदम ध्यान से एक एक स्टेप आप समझिए कि क्यों हम वो सारे चेंजेस कर रहे थे ठीक है सो गाइस डोंट वरी कुछ भी डाउट होता तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा सोर्स कोड ऑलरेडी है वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों को भर भर के शेयर इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि कंडीशनल रेंडरिंग एंड ऑल सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया हुआ है एंड नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज वन मिलियन सब्सक्राइबर्स सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा एंड मिलते हैं कल की वीडियो में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि कल हम देखने जा रहे हैं लोकल होस्ट अभी एक प्रॉब्लम बस यही है कि इसको द मोमेंट है ना मैं रिफ्रेश करता तो मेरा सारा डेटा चला जाता है तो कल के वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि सारा डेटा ना जाए वो डेटा ऑलवेज उधर ही रहे वो कैसे हम कर सकते वो हम देखेंगे कल के वीडियो में तो गाइस मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में टिल गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर